इंडियन फूड लव, इसको डकोया चटनी में, बहुत मजे का। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फहमीन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। उम्मीद है तुम लोग सब खैरियत से होगे, अपने घरों में खुश होगे और मेरी वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली एक बहुत ही यूनिक सी चीज़, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडियन ब्लॉगर्स को और यूट्यूबर्स वगैरह को देखा है कि वो लोग स्ट्रीट फूड में मोमोज बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो लेकिन मैंने कभी भी पाकिस्तान में ये नहीं ट्राई किया। शायद कराची, लाहौर या बड़े बड़े दूसरे शहरों में होता हो, मुल्तान में मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मुल्तान में मैंने मेरे घर के बहुत करीब एक मोमोज़ पॉइंट देखा था, बट ईद पे जब मैं वहाँ पर गई तो वो भी बंद हो गया था। तो हमने इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियोस देख देख के जो चीज़ तैयार की है वो है मोमोस। गाइज मैंने बनाए हैं, मैंने और फरीन ने मिलकर बनाए हैं मोमोस। और अगर आप लोगों को कहीं का पता हो मुल्तान में कहीं अच्छी जगह से मोमोस मिलते हैं, हाँ, तो हमें जरूर बताना। हमने खाने यार, हमने ना मोमोस की ना इतनी ज्यादा तारीफ सुनी है, हमने बहुत ढूंढे, एक पॉइंट बना था और वो भी बंद। हाँ वो नहीं, अब वो चल नहीं रहा। और फिर हमने मोमोज तो बनाए, मोमोज के साथ हमने बिल्कुल एज इट इज, जैसे ही इंडियंस ने जो थी ना वो मोमोज की चटनी शेयर की हुई थी, मैंने वही वाली बिल्कुल शेयर किया। मगरिब का टाइम हो गया, मैंने नमाज पढ़ ली, फरीन नमाज पढ़ ले, उसके बाद हम जो है वो मोमोज खाएंगे। गाइस मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, फरीन और मम्मा पढ़ ले नमाज। मैं सोच रही हूँ एक आधा तो ट्राई करके तुम लोग को बता ही दूँ कि ये कैसे बने। तो ये मैंने उठाया मोमो और बहुत गर्म है ये, मैं जस्ट एक ये मैंने इसको डकोया चटनी में, और ये है एमस स्वीट्स की चटनी है भाई, ये मीठी चटनी है, तो मैंने इसमें भी इसको डबो दिया अच्छी तरीके से। ये ना काफ़ी अच्छे हैं वैसे, आई लाइक इट, आई लाइक मोमोज। इनका नाम ही कितना मज़े का ना, मोमोज। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बने भी बहुत अच्छे हैं। फहमीन बेचारी की ना कंफ्यूज है, क्योंकि उसने ना वेजिटेबल और चिकन मोमोज ना मिक्स कर दिए हैं, इसलिए भी ये आराम आराम से देख देख के खा रही है। खा तो नहीं लिया तुम लोग मुझे? नहीं नहीं, ये वेजिटेबल मोमोज है, क्योंकि मुझे थोड़े सा पहचान है। मेरी मम्मा को लगता था मैदा जो होगा वो कच्चा होगा, कच्चा नहीं है लेकिन फ्राइड से तो बेहतर है, मगर टेस्ट बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मी गाइस, तुम लोग भी ट्राई करना, इसकी रेसिपी मैं तुम लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी ज़रूर। और मुझे डोसा भी बनाना आ गया, डोसे की रेसिपी भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैंने बहुत अच्छा डोसा बनाया था घर में। तो गाइस खाते हैं मोमोस, तो स्टे ट्यून। फाइनली देखते हैं कौन अच्छा मोमो। ये चिकन है, चिकन जो छोटे हैं ना, ये छोटे छोटे जो मैंने बनाए ये जो है ना वो है। मम्मा को आटा आटा लग रहा है, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं है। मुझे लगा था कच्चे होंगे, कुछ नहीं। और जो मैंने चटनी बनाई है ना बहुत मज़े की, मीठी चटनी के साथ बहुत मज़े की। मेरी चटनी है, मैंने टमाटर की चटनी बनाई, बहुत मज़े की। ये मीठी चटनी, ये मीठी है, टमाटर की नहीं, ये बहुत मज़े की चटनी है। ये मोमोज की चटनी है यार, इसको कहते हैं मोमोज चटनी, मोमोज चटनी है भाई। बस ये सब तो यामी, सुकून आ गया खा के। लिटरली क्रेविंग हो रही थी मुझे मोमोज की, और ये मुझे रोज मोमोज याद कराती है, मेरा रोज मूड बन जाता है। स्पाइसी इसलिए बनाया, उसने जो बनाया था उसमें मिर्ची नहीं डाली थी, सिर्फ ओनली नमक। जो वो लोग खाते हैं ना वो सिर्फ सॉल्ट वाला खाते हैं। गाइस ये देखो टेक्सचर चेक करो उसका, जरा वैसे ये चिकन का था,
हमने स्पाइसी बना लिए हैं। मुझे भूसा नहीं पीछे चाय पिए है ना, मीठी चटनी के साथ खाओ, उसके साथ भी मजे करना, वो मिर्च है इसमें। माँ मगर गाइस बाहर जाके खाओ, घर में मेहनत होती है, होती है बहुत, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मम्मी ये वाले चिकन का अंजो तो तीन पड़े हुए चिकन टू यमी है ना मम्मा। सबके दो दो ही हैं, तुम्हें भी पैसे कितने मजे के लग रहे हैं देखो। और फैमिली ने उसको शेप बहुत अच्छी दिया, पंद्रह कोई ना कोई तो ऑयल को अच्छी तरह वेजिटेबल है टेस्ट करके, पहले वो भी वेजिटेबल ही लग रहा था, इतनी कहाँ से चिकन निकल आता है पर ही ना। अगर अच्छी तरह ऑयल को गर्म करके उसमें, हाँ फ्राइड मोमोज भी होते हैं, हल्का सा फ्राई करके निकाल, फ्राइड मोमोज भी होते हैं मामा ये ना। अच्छे लगे तुम लोग, बहुत अच्छे बने, बहुत सही बताओ। मैं ऑनेस्ट रिव्यूज देना चाहती हूँ कि मोमोज बहुत अच्छे बने हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे बने, ये लोग मेरी स्टीमर नहीं था, नहीं ये लोग मजाक भी उड़ाए थे, ये लोग कह रहे थे ये तो कच्चे रह जाएंगे यूं होगा, तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज थी, मैंने कहा मैंने इतने सारे मतलब मेहनत की है इतनी ज्यादा, हम लोग दोनों ने किया वैसे तो, लेकिन मुझे ये था कि भाई फिर जाया होगा सारा फूड, तो मुझे दुख हो रहा था, लेकिन तुम लोग को अच्छे लगे यार, लिटरली इतने अच्छे थे, और मुझे लगा था ये जो मैदा होगा ना ये कच्चा रह जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी कच्चा नहीं था, और अभी हमारा स्टीमर नहीं था, अगर हमारे पास स्टीमर होता तो ये और ज़्यादा अच्छे बन सकते थे। लॉफल बनाना बहुत मुश्किल है, वो कैसे बनते हैं, हम सब कुछ घर में ट्राई कर लेते जो हमें नहीं मिलता बाजार से। जा सौ बातों की एक बात, इंडियन फूड लव बहुत अच्छी होती है वाकई है ना, इनका वड़ा पाव खाओ, इनका वो जो इनका डोसा, मैंने डोसा बनाया था, मोमोज बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी डिशेज हैं, इतनी डिशेज हैं, मैंने इनकी एक वेजिटेबल पराठा सीखा था, इतना अच्छा बनता है वो, इतना अच्छा हाँ, बनता है, मुझे तो बनाते ना, इतना अच्छा बनता है और इतना ईजी है, बहुत बहुत मजे का। तो गाइस हमारे मोमोज हो गए पास, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी को मोमोज की रेसिपी चाहिए तो हमसे पूछ, कमेंट में पूछो, हम आके तुम लोग को बताएंगे इसकी रेसिपी, तो रेसिपी बहुत इजी है। तो मैं फरीन से बोल रही थी कि मैं ना मोमोज की रेडी लगाने लगी, हाँ फैमिली रेडी लगाएगी, आप लोग जरूर आना मोमोज खाने। तो मिलते हैं गाइस अपने न्यू व्लॉग के साथ कुछ और खाते हुए, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।